देखिए हमारा ठेकुआ रेसिपी कितना सुंदर बनी है। तो ये देखिए, देखिए पहले हाथ से इस तरह का गोला बना लेना है पत्ता का ऊपर, तो इसे रखिए, तो उसे थोड़ा प्रेस कर दीजिए हाथ में। ये इस तरह बन रही है, तो इस तरह बन रही है, तो उसको थोड़ा पलट के उसे निकाल लीजिए। देखिए कितना सुंदर बन रही है, तो इस तरह का बना लीजिए, एकदम मस्त दिख रही है ना। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह को 8:30 बज रहा है, बस मैं थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। बस अब चलते हैं थोड़ा मार्केट, कुछ सामान वगैरह लाना है, और गेलू के लिए कुछ सामान लाना है, और जति के लिए सलाक्स वगैरह लाना है। तो चलिए अब निकलते हैं मार्केट। गेलू अभी रेडी हो रहा है, ये देखिए आंगनवाड़ी जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो पहले उसे छोड़ते हैं आंगनवाड़ी, फिर जाएंगे। फिलहाल गेलू को लेके जा रहे हूँ आंगनवाड़ी छोड़ने के लिए। ये रहा हमारा आंगनवाड़ी गेलू का, तो छोड़ते हैं पहले, फिर जाएंगे। गेलू को आंगनवाड़ी छोड़ दिया, बस अब चलते हैं मार्केट। फिलहाल मैं मार्केट से आ चुका हूँ, और जति के लिए सलाक्स और कुछ सामान वगैरह लेके आ चुका हूँ। बस अभी थोड़ा घर में रहेंगे, थोड़ा काम करेंगे। फिलहाल दोपहर के लिए भात बच चुके है, और भाभी ने चूल्हे में बिठा लिया है भात, तो अभी बनाएंगे भात दोपहर के लिए। तो ये रहा भाभी, तो बना रही है भात, भात के साथ कुछ बनाएंगे करी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सामान है घर में। क्या है ये देखिए, तो कैबेज है, भाभी बोल रहा है कि वो कैबेज का करी बनेगा। तो चलिए फ्रिज में अभी क्या है देखते हैं। फ्रिज में कैबेज है, और इसमें देखिए करेला है और कुंदरू है, करेला कुंदरू और टमाटर है, यहाँ पर भी कैबेज, तो यहाँ पर दूध का ग्लास, तो सारा सामान है। तो दोपहर को बनेगा कैबेज का करी, ये देखिए, तो कैबेज बनेगा। तो चलिए दोपहर को खाते हैं मस्त कैबेज का करी का साथ राइस, और रात को एक स्पेशल डिश बनाएंगे, तो सबके लिए बनाएंगे, एकदम मस्त बनाएंगे। फाइनली दोपहर हो चुकी है, बस अभी खाते हैं लंच। लंच में बनी है तो भात बनी है, और साथ में दाल बनी है, और साथ में ये कैबेज, तो मिक्स वेज है, कैबेज आलू पका के भाभी ने एक करी बनाया है, और साथ में करेला आलू भजा। तो देखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए, तो करेला और आलू भजा, ये रहा हमारा कैबेज आलू का करी, ये रहा दाल। पापा खाए बापरा कोई नहीं, गेलू आंगनवाड़ी से खा के आया है, तो इसलिए वो हमारा बात नहीं सुन रहा है, तो खाते हैं अभी। फिलहाल अभी बना रहे हैं हम छठ पूजा का वो ठेकुआ रेसिपी। तो ठेकुआ रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है, क्या क्या लिया है तो आप लोगों को पहले दिखा देते हैं, फिर बनाना शुरू करेंगे। तो हमने ठेकुआ रेसिपी बनाने के लिए, तो आधा किलो के करीब आटा लिया है, साथ में लिया है सूजी जो है एकदम बारीक बारीक सूजी, पतला पतला सूजी लिया है, ये रहा चीनी, ये रहा मैदा, और साथ में हमने लिया है देसी घी, तो घी डालने से ज्यादा खस्ता बनता है, तो इसलिए ये सब सारा सामान लिया है, साथ में लिया है नमक। तो अभी शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम लोग कैसे बनाते हैं ठेकुआ रेसिपी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें, और आप लोगों को अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी बनाना।
फिलहाल शुरू हो चुके हैं। तो अभी आटा के ऊपर भाभी ने डाल दिया है सूजी, तकरीबन 200 ग्राम होगा सूजी, आधा किलो आटा में। तो सूजी के साथ ये रहा मैदा, तकरीबन 100 ग्राम होगा मैदा। उसके ऊपर नमक, साथ में दिया है देसी घी। देसी घी देने से थोड़ा खस्ता बनता है, तो इसलिए घी का इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल ना करें। बस लास्ट में चीनी डालें, तो आप जितना चीनी खाओगे उतना हिसाब से चीनी डालो। देखिए यहाँ पर जति खेल रही है, जति का थोड़ा आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि वो अकेला खेल रहा है। देखिए नाभी किस तरह गूंद रही है आटा को, बस इस तरह गूंदना चाहिए। देखिए फाइनली हमारा डो बन कर रेडी हो चुका है, बस अभी बनाएंगे। तो ये देखिए अभी बना रहा है, तो ये सारे हमने बना के रखा है यहाँ पर, तो अभी फिलहाल छानेंगे, यहाँ से छान रही है। देखिए बस हमने ये छान लिया है, तो बढ़िया खस्ता बनी है, तो तोड़ के दिखाएंगे आप लोगों को बाद में, तो लास्ट में तोड़ के दिखाएंगे, किसी बनी खा के भी दिखाएंगे। देखिए हमारा ठेकुआ रेसिपी कितना सुंदर बनी है, तो ये देखिए कितना सुंदर हमने बना लिया है, एकदम बिना चांसेस से हमने बनाया है। देखिए कितना सुंदर बनी है, तो आप लोग घर में जरूर ट्राई करें, एकदम मस्त बनी है। दिखाते हैं आप लोगों को तोड़ के, ये देखिए एकदम मस्त बनी है, पूरा एकदम क्रंची बनी है, मस्त बनी है। तो आप लोग घर में जरूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। ये देखिए हमारा रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, देखिए कितना सुंदर बनी है, एकदम बिस्कुट जैसा कुरकुरा, तो मस्त बनाया हमने, और भाभी और मैं मिलके बनाया है। तो चलिए खाते हैं, अब सारे लोग मिलके खाएंगे। तो बाबू जी तो घर पे नहीं है, और छोटा भाई तो घर पे नहीं है, और मम्मी मैं दादी और भाभी खाएंगे अभी, तो उन लोगों के लिए रख देंगे। तो अभी बढ़िया बनी है, और देखिए खा के दिखाते हैं आप लोगों को कितना क्रंची बनी है, एकदम कुरकुरा बनी है। चलिए शुरू करते हैं खाना। हम लोग खा रहे हैं, ये देखिए कितना क्रिस्पी बनी है, देखिए मस्त बनी है। आप लोग घर में जरूर ट्राई करें। मोर बनाने का तरीका जो है एकदम सिंपल है, जैसे आटा गूंदना है ऐसा ही गूंदना है, बस थोड़ा घी डालना है उसमें, एकदम मस्त बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबके साथ खाना। देखिए दोनों भाई कैसे लड़ रहे हैं। ये जब तक गर्म है इसके अंदर थोड़ा नरम रहेगा, जब तक ये ठंडा हो जाएगा ना एकदम क्रिस्पी बन जाएगा, जैसे काटने से एकदम झड़ जाएगा, तो एकदम मस्त बनेगा। ये जो रेसिपी है ये छठ पूजा का में स्पेशल है, तो आप लोग घर में जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपने माँ बाप का हमें ही साथ ख्याल रखना। फिर मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।